कोरोना वायरस के बाद अब देश में एक नया वायरस जन्म लिया है जिसका नाम निपा वायरस है, जो कोरोना वायरस से कई गुना ज्यादा जानलेवा बताया गया है। केरला में निपा वायरस के केसेस सामने आए हैं जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। केरला और कर्नाटका बॉर्डर के बीच लगने वाले सभी चेक पोस्ट पर कर्नाटका गवर्नमेंट आने जाने वालों की स्क्रीनिंग कर रही है। केरला के बाद पश्चिम बंगाल में भी एक निपा वायरस का केस सामने आया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निपा वायरस है क्या और ये वायरस फैलता कैसे है। निपा वायरस मलेशिया से होते हुए बांग्लादेश के जरिए इंडिया में फैल रहा है। ये वायरस जंगली सुअर और चमगादड़ में ज़्यादा पाया जाता है। इनके जरिए इंसानों पर यह हावी हो रहा है। निपा वायरस कोरोना वायरस से 70 गुना ज़्यादा खतरनाक है और इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो जिस किसी पर भी ये वायरस अटैक करता है तो शख्स को 2 से 3 दिन तक तेज़ बुखार रहेगी और सर में दर्द रहेगा और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये वायरस 24 से 48 घंटे में किसी भी मरीज को कोमा में डाल सकता है। और सबसे बड़ी हैरान होने की बात यह है, ये वायरस आज से 24 साल पहले मलेशिया में जन्म लिया था और आज तक इस वायरस से बचने वाली वैक्सीन नहीं बनाई गई। और किसी इंसान में यह वायरस नज़र आया तो उसको दवाइयों के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। चाइना से आने वाला कोरोना वायरस मुल्क भर में हमारे कई करीबी लोगों को अपने साथ ले गया है, जिसको अभी तक हम सब लोग पूरी तरह से भूल भी नहीं पाए। और ये मलेशिया से अब नया वायरस आया है जो कोरोना वायरस से 70 गुना ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। केरला में वायरस को फैलता देख कर्नाटक का हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडोराव ने मीडिया के जरिए कहा, केरला और कर्नाटक के बीच लगने वाले दक्षिण कन्नड़, कुड़ागो, चामराजनगर और मैसूर इन 4 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 19 चेक पोस्ट पर रैंडम फेवर स्क्रीनिंग की जा रही है और अब तक 9000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है जिसमें एक भी निपा वायरस के लक्षण नहीं पाए गए। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, चेक पोस्ट पर लगातार 10 अक्टूबर तक चेकिंग की जाएगी। अगर कोई निपा वायरस का मरीज सामने आता है तो कर्नाटक में क्वारंटाइन बेड्स और दीगर इंपॉर्टेंट सामान का इंतजाम किया गया है। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute.